ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर का 64वां जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर नई सड़क स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स में कोविड-19 की महामारी के इस दौर में मरीजों की सहायतार्थ के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया। मीडिया प्रभारी सचिन जैन ने बताया कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यह कार्य किया है ताकि गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा सके। आज हम सबसे मिलता केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का जन्मदिन। जैसा उनका स्वयं का व्यक्तिगत जीवन रहा है, उन्होंने अपने जीवन में त्याग तपस्या को अधिक महत्व दिया है। कर्मठता और शालीनता के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है, तो उसी से प्रेरणा लेते हुए कोरोना की इस महामारी के दौर में जहाँ हर व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, उसी समय कहीं ना कहीं अस्पतालों में रक्त की भी कमी हो गई है। इसी परिस्थिति को देखते हुए आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात करने के पश्चात हमने यह कार्यक्रम यहाँ लिया, क्योंकि रक्त की इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और सेवा का इससे पुनीत कार्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रक्त किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। किसी के जीवन को बचाने से ज़्यादा पुनीत कार्य इस विश्व में मैं दूसरा नहीं मानता। इसीलिए उनके इस जीवन के पूरे व्रत से हमने प्रेरणा लेके आज यहाँ रक्तदान का कार्यक्रम यहाँ किया है, और इसमें हमने यह निश्चित किया है कि आज वे 63वें वर्ष को पूर्ण करके 64वें वर्ष में प्रवेश करें, तो हम यहाँ 63 युवा आज यहाँ रक्त देकर उनको असली अपनी तरफ से यह भेंट देंगे जन्मदिन की। उनकी युवा भी उनसे प्रेरणा लेके उन्हीं के जीवन को आत्मसात करते हुए इस तरह के रक्तदान के पुनीत कार्य में शुरुआत होकर शामिल करें।